हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक के बन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे हीरो मोटर शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे हीरो मोटर की साइड बात करें तो शेयर अभी राइट नाउ 3054 रुपीज पे ट्रेड करते हुए दिखी और हमें डाउन आते हुए भी अच्छी खासी देखने को मिल गई थी, बट शेयर क्या यहीं से तेजी बनाएगी या रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए देखेगी, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग ध्यान दे देते हैं होल्डिंग के साइड। होल्डिंग देख सकते हैं कितनी ज्यादा बनते हुए दिख रही है, 54.40, एक अच्छी खासी होल्डिंग्स अभी के टाइम में आते हुए दिख रही है और जो बहुत ही अच्छी बात है। आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे पहले छोटा सा व्यू ले लेते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करते हुए दिख रही है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनाई थी, इनफैक्ट हमारी सपोर्ट एरिया कुछ इसी पे थी, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें सपोर्ट अच्छी खासी बनते हुए दिख गई और यहाँ पे एक अच्छा रेंज था जहां पे सपोर्ट बनना बनता है। यहाँ पे 2958 पे बहुत ही अच्छा एरिया बन रहा था और यहाँ से देख सकते हैं फिर से तेजी मार्केट में और बहुत ही अच्छी खासी तेजी। लगभग लगभग बात करें तो यहाँ से आपको इस पॉइंट से मतलब 60 से बात करें तो 60 से लेके अभी तक 70 तक की तेजी बनते हुए दिख चुकी है। अब 70 तक की तेजी बनते हुए दिख गई तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ही अच्छे खासे पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन भी होते हुए दिखा, तो ये ऑल ओवर इतना तो कंफर्म करती है कि मतलब यहाँ से आपको प्रॉफिट तो गेन होते हुए, बहुत ही मस्त प्रॉफिट गेन होते हुए दिख जाएगा। बट उससे पहले आप लोग को कुछ और भी चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हीरो मोटर्स की साइड अगर आप लोग ध्यान दे तो देख सकते हैं किस तरीके से पहले फ्लो मेंटेन की हुई थी और यहाँ से अभी वापस एक अच्छी तेजी जो जंप देखने को मिला हमें यहाँ पे जस्ट वन डे पे चले जाते हैं, तो वन डे पे हमें 2.85% की जंप और ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमें 84 पॉइंट्स तेजी बनाते हुए दिखी। हम देखते हैं देख सकते हैं तेजी बहुत ही अच्छी रही है, जिसके चलते आपको मार्केट में अभी और भी फ्यूचर में तेजी देखने का चांसेस बन रहा है, क्योंकि ये जो रेंज एरिया बना रही थी वहां पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए दिख गई। क्योंकि देख सकते हैं ब्रेकआउट देने वाले सिचुएशन पे जब आई थी तो फिर से एक डाउनफॉल और यहाँ पे अपने सपोर्ट को बहुत अच्छा मेंटेन करते हुए दिखी और बहुत ही अच्छा एक हाई मेंटेन करते हुए दिख गई। यहाँ पे मैं आप लोग को और फोकस करवाना चाहूंगा, जस्ट वेट, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेंटेन होते हुए दिखी। तो देख सकते हैं ट्रेंड डाउन, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन, फिर उसके बाद अपर हिट होते हुए दिखी, बहुत ही अच्छा फ्लो मेंटेन होते हुए दिखा और बहुत ही अच्छा रहा मार्केट में। अभी इसकी जो टारगेट बन रही है वो 3150 तक बन रही है और इनफैक्ट उससे भी प्लस जाने का चांसेस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग को बहुत ही ज्यादा फोकस रखना है। तो हम लोग ऑल ओवर बात करें तो आपको रेसिस्टेंस जहाँ पे मिल रही है यहाँ पे 3130 से 450 के बीच में आपको रेसिस्टेंस मिल रही है, तो आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। अगर जैसे ही ये ब्रेक करते हुए दिखती है तो आप खुद देख सकते हैं मार्केट में पहले कैसा फ्लो था, मार्केट में इसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को और भी ऊपर तेजी देखने को मिल जाएगी और डायरेक्टली आपको कुछ अगर अभी बात करें तो आपको जो हिट होते हुए दिखेगी डायरेक्टली इसके बाद ये जा सकती है 3280 तक, तो वहां तक आपको एक अच्छा फ्लो देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा फंडामेंटली बात कर लेते हैं स्टॉक किस तरीके से रही है मार्केट में। यहाँ पे ऑल ओवर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लगातार मैं इस चीज सारे चीज के बारे में बात किया हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादा चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखी है और ये वन ऑफ द मेजर स्टॉक है जो टू व्हीलर सेक्टर में बहुत ही अच्छा सेल हमेशा हाई मेंटेन की हुई है सेल्स को और सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए दिखा है हीरो मोटर की साइड, और इनकी सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। तो जहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज्यादा मतलब मिडिल क्लास अच्छा खासा मतलब बाई करते हैं हीरो मोटर्स के साइड, तो यहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब की साइड बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी तेजी, इन्वेस्टिंग में माइनस है, इनफैक्ट फाइनेंसिंग में भी माइनस है। ऑल ओवर अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ कैसा देखने को मिलेगा, 1 ईयर के चार्ट पैटर्न पे चले जाते हैं और फ्यूचर ग्रोथ में पैसा लगाना एक सही ऑप्शन बनता है कि नहीं। देख सकते हैं मार्केट में अभी अभी तो ये शेयर बहुत ही ज्यादा ऊपर पॉइंट पे है और ये हो सकता है कि यहाँ से भी ऊपर मतलब इधर से भी ऊपर जाएगी, तो ऑफ कोर्स जाने का चांसेस ऐसा नहीं कि जा नहीं सकती, शेयर्स जा सकती है, अच्छा प्रॉफिट होते हुए आपको दिख जाएगा, बट इसको कुछ ये एरिया ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, और कुछ भी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, एंड इनफैक्ट जिनको भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे लिए इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे उधर भी रीच आउट कर सकते हो, डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। इनफैक्ट कोई शेयर्स पे पर्टिकुलर वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इनफैक्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज, यही सारी चीज़ आपकी मोटिवेट करती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना
और कमेंट भी मत वो करना भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।